तो देखिए दोस्तों, भैंसों के लिए पानी कम पड़ गया है और दोबारा से पानी लेने के लिए जा रहे हैं। ये दोस्तों, ये हमारी छोटी वाली भैंस है। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका अपने ब्लॉग में। तो देखिए दोस्तों, हम जा रहे हैं अपने घर में भैंसों को पानी पिलाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे पतिदेव जा रहे हैं पानी पिलाने के लिए भैंसों को। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा घर आ चुका है और पतिदेव पहुंच गए हैं गेट के पास। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भैंस पानी पी रही है और पानी रख दिया है इनके आगे बाल्टी में। और दोस्तों, मम्मी हमारे जंगल से लेकर आई है चारा भैंसों के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये रखी हुई है बरसीन, काट कर लेकर आई है मम्मी। अब दोस्तों फिर ये चारा काटेंगे। यहाँ पर हमारी मशीन है चारा काटने की। तो देखिए दोस्तों, पापा हमारे यहाँ पर सोते हैं इसमें मच्छरदानी लगाकर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना सारा चारा रखा हुआ है एंड वास में। तो ये है पतिदेव, अच्छे से करके रख रहे हैं इसको। ये सूख गया है, ये सूख गया है। हेलो फ्रेंड्स, ये वाला ही काट लेना ना पहले। ये दोस्तों, ये हमारी छोटी वाली भैंस है। दोस्तों हमारा बेबी छोटा वाला, इसको पानी भी पिला देता है और ये आराम से पी लेती है। और दोस्तों देखिए, मम्मी ने कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर उपले पात रखे हैं गोबर के। और यहाँ पर थोड़े से हमने पौधे भी लगा रखे हैं जिसको दोस्तों इस पर लग रहे हैं बैंगन। और दोस्तों, मैंने कल बैंगन की रेसिपी बनाई थी और मैं यहाँ से तोड़ कर ले गई थी। हनी बाबू देखना। तो देखिए दोस्तों, भैंसों के लिए पानी कम पड़ गया है और दोबारा से पानी लेने के लिए जा रहे हैं घर पर। तो चलिए दोस्तों, हम घर जाते हैं और मम्मी भैंसों को चारा डाल लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम घर आ गए हैं और पतिदेव जा रहे हैं मार्केट, बाजार लग रहा है हमारे गांव में सब्जी लेने के लिए। दोस्तों चलिए, आज के ब्लॉग में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।